जी हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूले, क्योंकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस नहीं कर पाए। भारत की पहली पारी 78 रन पर ढेर, इंग्लैंड ने बनाए बिना विकेट खोए 120 रन। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच लीड्स के हेडिंगले मैदान पर खेला जा रहा है। भारत की पहली पारी 78 रनों पर ढेर हो गई है। इंग्लैंड ने पहले दिन बिना कोई विकेट खोए 120 रन बना लिए हैं। तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और क्रेग ओवरटन की शानदार गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड ने यहाँ हेडिंगले में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में पहले दिन भारत की पारी 78 रन पर ढेर कर दी। इंग्लैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक बिना कोई विकेट को 120 रन बनाए और 42 रनों की बढ़त हासिल कर ली। स्टम्प्स तक हसीब हमीद 130 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से 60 रन और रोरी बनर्स 125 गेंदों पर 5 चौकों और 1 छक्कों के सारे 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारतीय टीम की तेज गेंदबाज पहले दिन कोई भी सफलता हासिल करने में कामयाब नहीं रहे। भारतीय बल्लेबाज की निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय गेंदबाज आक्रामक भी आज अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही। लड़खड़ाई टीम इंडिया। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन एंडरसन के कहर के आगे उसका शीर्ष क्रम पूरी तरह लड़खड़ा गया और टीम इंडिया की 3 विकेट महज 21 रन पर ही गिर गई। एंडरसन ने पहले ही ओवर में सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल को आउट किया। इसके बाद एंडरसन ने खराब फॉर्म में चल रहे चेतेश्वर पुजारा को पवेलियन भेजा। भारतीय टीम जब दोहरे झटके से उबर पाती, उतनी ही देर में एंडरसन ने विकेट के पीछे जोश बटलर के हाथों कैच कराकर भारतीय कप्तान विराट कोहली को आउट किया। कोहली ने 17 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 7 रन बनाए। शुरुआती झटके के बाद रोहित शर्मा ने अजिंक्य रहाणे के साथ पारी आगे बढ़ाई, लेकिन रॉबिसन ने रहाणे को आउट कर भारत को चौथा झटका दिया। रहाणे ने 54 गेंदों पर 3 चौकों के सहारे 18 रन बनाए। रहाणे के आउट होने के साथ ही लंच ब्रेक की घोषणा की गई। इस तरह मैच के पहले दिन का पहला सत्र पूरी तरह इंग्लिश गेंदबाजों के नाम रहा। दूसरे सत्र में भी इंग्लैंड के गेंदबाजों को दबदबा रहा और रॉबिसन ने ऋषभ पंत को आउट कर दिया। इसके बाद रोहित भी ज़्यादा देर पारी आगे नहीं बढ़ा सकी और 105 गेंदों पर 1 चौकों की मदद से सर्वाधिक 19 रन बनाकर आउट हुए। इसके दूसरे गेंद पर नए बल्लेबाज के रूप में उतरे मोहम्मद शमी को खाता खोले बिना पवेलियन लौटना पड़ा।